थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहकर हमारे विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। चलो फिर से भारत को का वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी वो जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्ति के खून की धारा याद कर लें, देशभक्ति के खून की धारा याद कर लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर उज्जवल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह अपना देशभक्ति का गाना हमारे सामने प्रस्तुत करे। ओवर टू डॉक्टर उज्जवल। सॉरी करमजीत मैम, मुझे वंदे मातरम के लिए बोला गया था ओके तो। चलो हाँ जी हाँ कोई जी, बात नहीं, वो भी हमारा एक नो पेट्रियोटिक। प्रॉब्लम. वंदे मातरम इज ऑल्सो ए पेट्रियोटिक वर्ड्स फॉर द कंट्री. और आपकी जो आवाज है वो टूटती है, तो आप प्लीज अपना माइक अपने माउथ के पास ही रखें. जी मैम। वंदे मातरम, वंदे सुफलाम मलयज शीतलाम शश्यामला मातरम, वंदे शुभ्र सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर उज्जवल। थैंक यू मैम। अब मैं आगे कैडेट दीपा को आमंत्रित कर रही हूं, जो अपनी रिपब्लिक डे स्पीच लेकर आ रही है। कैडेट दीपा, कैडेट दीपा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम। हाँ बेटे, अपनी अपनी स्पीच शुरू करो। बाहर जाओ मैं कह रही। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने। बेटा दीपा, अपनी वीडियो ऑन करो. यस मैम। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को दिल में सदा बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण एवं मेरे साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आज हम यहाँ देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है, शहीदों का अभिमान है, अनगिनत लोगों ने दी है कुर्बानियां, ये उन लोगों की कुर्बानी का परिणाम है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई, लेकिन इस आजादी को सही आकार 26 जनवरी सन 1950 को मिला, क्योंकि इस दिन हमारे भारत का सर्वोच्च विधान भारतीय संविधान लागू हुआ था, और इस संविधान को विश्व का भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत और लिखित संविधान है। 26। अब हम बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों
क्यों मनाया जाता है। जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाँ जी दीपा कंटिन्यू रखो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है हमारे तक। दीपा मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनका। चलो दीपा कोई नहीं, अब शायद दोबारा कर पाएगी वो। ट्राई टू रीजॉइन, उसको कहो कि वीडियो ऑफ करके बोल ले क्योंकि कई बार वीडियो ऑन करके आपकी डिस्टरबेंस होती है। मैम उसने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा तो ठीक है, जसप्रीत जी देख ले बेटा, उनको बोलो ट्राई करिए, मैं तो बैठी हूँ, जैसे उनका आएगा मैं एडमिट कर दूंगी उनको। करमजीत जी तब आगे चलते हैं, जैसे वो ज्वाइन करेंगी वी विल कंटिन्यू विद हर वेयर एवर शी वाज शी स्टॉप। मैं ट्राई कर रही हूँ मैम एक बार। मैं कैडेट पिंकी को आमंत्रित करती हूँ, कैडेट पिंकी ऑफ बीए सेकंड ईयर, जो अपना सॉन्ग लेकर आ रही है। कैडेट पिंकी बेटे अनम्यूट करो अपने आप को, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैम आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। बिल्कुल हैप्पी रिपब्लिक डे, चलो आप स्टार्ट करो बेटे। हाँ जी मैम, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन,
होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। धन्यवाद। थैंक यू पिंकी। अब मैं वंशिका को आमंत्रित कर रही हूँ। वंशिका ऑफ बीए फर्स्ट ईयर, जो अपनी पोएम लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। वंशिका, इसके साथ ही हमारे साथ मैं एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अबाउट 70 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं इसी प्लेटफॉर्म से आप सभी को इस बात का के लिए कहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर ओपनली जो है देशभक्ति का गीत या कोई पोएम गाना चाहता है तो मैं उसे आमंत्रित करती हूँ। वंशिका के बाद वो बच्चा बता सकता है और अपनी प्रस्तुति दे सकता है। हमारे पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई और बच्चा भी अपनी देशभक्ति का गीत या पोएम की कोई प्रस्तुति देना चाहता है तो मैं उसे वंशिका के बाद इनवाइट करूंगी। मैं अभी वंशिका को इनवाइट कर रही हूँ जो अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। जी जी, हमारे साथ दिख रहे हैं अनुराधा के छोटे से बेटे, जो कि मैं स्क्रॉल करके देख रही थी। और आपके भी छोटे घर में बच्चे हैं कौशल जी, सीमा अग्रवाल जी की बेटियां हैं, या हमारे सारे कुलीग्स के बच्चे जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो उनको आमंत्रित करिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कॉलेज के साथ साथ। वो हमारा एक एक्सटेंडेड परिवार है और हम चाहते हैं कि वो बच्चों को एक आउटलेट मिले और हम उन्हें सुन पाए। पहले वंशिका, जैसे करमजीत जी ने बोला। मैं वंशिका शर्मा आपको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कविता के माध्यम से वीर शहीदों के बलिदानों के बारे में बताना चाहूंगी। आइए शुरू करते हैं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, इसकी आंचल की छैया से छोटा यह संसार है, हम ना कभी हिंसा के लिए अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो विश्व पूरा विश्व हमारा ही परिवार है, विश्व शांति की चली हवाएं हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू वंशिका बेटे, आपने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की, देशभक्ति की कविता, वीर शहीदों के बलिदान से ही हमें शायद इस स्वतंत्रता की प्रांगण में सांस लेने का मौका मिला। अब मैं हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है कि कोई भी बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा, कौशल के बच्चे, अनुराधा के बच्चे, सीमा अग्रवाल के बच्चे, कोई भी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार में बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे परिवार के कुछ नए। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
जय भारत वंदे मातरम। पहले 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 आपको अपना नाम बताना होगा, फिर ये बताना होगा कि आप कौन हैं, फिर आपको ये बताना होगा कि आप कार में बैठकर कहाँ जा रहे हैं, और फिर आपसे आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, और फिर हम आपकी बात सुनेंगे। चलो बताओ जल्दी से। आई एम यू स्टार्ट शिफ्ट पकड़ो। आई एम वरिंदम शिफ्ट। आई एम सन ऑफ अनुराधा। आई एम सन ऑफ अनुराधा एंड आई एम सन ऑफ डॉक्टर सुरेश लखनपाल एंड आई एम गोइंग टू अरुणाय इन कार। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। हाँ जी अरिंदम, क्या सुनाने जा रहे हो आज हमें, क्या सुनाओगे? करेक्ट जी। अरे आपको पता है कि आपके पापा डॉक्टर सुरेश, अरिंदम आपके पापा तो डॉक्टर सुरेश हैं, पर आपकी मम्मी भी डॉक्टर अनुराधा हैं बेटे, राइट? यस वेरी गुड। वंदे मातरम, वंदे मातरम में क्या कुछ आगे सुनाओ, कुछ और बोलोगे अरिंदम? I hope he has. Anji Anuradha, he wants to speak more. No, ma'am. He just wanted to say Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Very good. Aaj Arindam se pucha jaye, aaj hai kya Independence Day hai ya Republic Day hai? Republic Day. Good. Very good. Very good. God bless you. God bless you. Thank you, Arindam. Thank you, Arindam. You are looking very smart. Very handsome boy. Thank you. God bless you. शायद अरिंदम के साथ में सचिका साधिका भी बैठी हैं, वो कुछ बोलना चाहे। भारत माता कुछ बोल। एक छोटा सा कोई वंदे मातरम। Hi, I want to wish a very happy Republic Day to everyone present here. Okay. सचिका। I'm सचिका शर्मा। आप एक जोर से नारा लगा दीजिए अनुराधा, अरिंदम को कहिए और इस बेटी को भी कहिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सचिका। थैंक यू अनुराधा कि तुमने, तुम बच्चों ने भी हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं फिर दोबारा से आमंत्रित कर रही हूँ कि कौशल सीमा अग्रवाल के बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। हमारी एक प्रस्तुति रहती है सपना का डांस। अंश वांट टू से समथिंग। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं बेटा? वाह बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्लीज अपना नाम बताइए, इफ यू आर ए स्टूडेंट। अच्छा, किसके, आपके मम्मी पापा का नाम बताइए। जसप्रीत कौर, प्रवीण कुमार। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू गुरान, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। आज आपके गुरुओं का दिन है बेटा, 26 जनवरी में लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, आपके गुरु का है। आज आपको मालूम है कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा ओके, आपको रिपब्लिक डे पता है कि रिपब्लिक डे है कि इंडिपेंडेंस डे है बेटे? रिपब्लिक डे। आपने मम्मी को देख के बताया आपने। आप देख क्या बेटे, डेट क्या आज? डेट क्या आज? मम्मी को देखना। 26 आगे क्या, फरवरी मार्च कौन सा मंथ है, क्या डेट है बेटे? 26 जनवरी। मार्च है, जनवरी फरवरी है, जनवरी जनवरी। गुड वेरी गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू गुरुवंश।
बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आप तैयार बैठे हो, दैट इज गुड. थैंक यू. अर्ली टू. थैंक यू गुरांश बेटा जी, तुमने हमारे शामिल होकर हमारी कौशल के बेटे आए हैं जी. हाँ जी बेटे, कौशल के सन ऑफ कौशल. आप अपना नाम. गुड मॉर्निंग बेटा जी. Ma'am, my name is Anish Kumar and I am a student of class 8th at Mindtree School. Okay, better. क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? And ma'am, my mother's name is Dr. Kaushal Chauhan and my father's name is Brijesh Kumar and I am going to tell you why 26 January is the only day to why 26 January is the only day when Republic Day is celebrated. Very good. Very good. So, in 26 January 1930, when Jawaharlal Nehru was in Lahore, ma'am, the Congress planned a meeting in which they said that we will try our best to get freedom from the rule of British. And ma'am, just when we got the freedom from the British rule. Just 20 years after that, in 1950, Dr. B.R. Ambedkar wrote our constitution and he decided that we have to choose 26 January as a date because this was the day when we saw that we have to get freedom from the British and therefore 26 January is the day when we celebrate Republic Day. Very good, beta. Very good. Very good. Beta, एक बात बताओ. You are in standard 8. Who hosted the first flag? कौन हमारा पहला राष्ट्रपति था बेटे? राष्ट्रपति करते हैं या प्रधानमंत्री होस्ट करते हैं इस दिन? अनफोल्ड करते हैं. राष्ट्रपति. हाँ, अनफोल्ड. कौन करता है बेटे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Are you sure today? Yes, ma'am. Please read it. Who was the first president of India who unfurled the flag? Who was the first president? आपने बहुत अच्छा बताया कि इस डॉक्टर अंबेडकर राजचंद्र मुखर्जी. अब आपके I said who was your first president of India, beta? Dr. Kaushal will give you a library look and insight in it. Doctor? Yes, ma'am. Yes, tell him who was the first president of India? Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Yes, Rajendra Prasad. He knows. Okay. Who unfurled the first time the flag of India, right? Yes, but you are a nice child. You know many things. God bless you. Happy Republic Day. Happy Republic Day. You are our youth coming forward for India. Very nice. God bless you. Thank you, ma'am. Very nice, Chauhan. Well, be a reared up child. Thank you, ma'am. Ma'am, Vibhuti also want to wish you Happy Republic Day. Very good, Vibhuti. Good morning, ma'am. Good morning. Happy Republic Day. Thank you, Vibhuti. Give some words. Speak some words. Regarding the Republic Day. बेटे, Republic Day के बारे में बताएं. हम हिंदू हैं, हिंदी समझते हैं और बहुत अच्छी हिंदी हमारी मातृभाषा है. बोलो. आप हमें बताएं आपका क्या क्या ओपिनियन है इस वक्त देश के बारे में आपका. Republic Day के लिए नहीं बोलना चाहते, आप क्या सोचते हैं? मैम, सबसे पहले तो ये कि हमारा भारत यूनाइटेड होना चाहिए. ओके. मैम, वुमेन को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. ओके. और ये कि मतलब कि हम सबको कुछ ना बड़े होके कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि भारत का नाम रोशन हो. ओके. हमें कहां तक हो रही है, पहले कहां तक जाती थी, व्हाट वाज द एंड पॉइंट. आज कुछ नई चीज हो रही है जहां तक हमारी परेड को शॉर्ट कर दिया गया है,
और वो वहां तक नहीं जा रही, वो लाल किले तक नहीं जा रही बेटे, ओके। और आपने कहा लेडी को एम्पावर करना चाहिए, यस। इस बार रिपब्लिक डे परेड में हमारी फर्स्ट वुमेन पायलट फाइटर वो आज परेड में पार्टिसिपेट कर रही है बेटे। यस मैम। विभूति, हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्लेन जोड़े गए बेटे? आर्मी के अंदर कुछ नए जहाज, कुछ फाइटर प्लेन्स जोड़े गए जो अंबाला जिसके लिए फेमस हुआ, अंबाला कैंट जहाँ आप रहती हो। मैम रिफाल। यस दैट वाज रिफाल। वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, क्योंकि बड़े बड़े बच्चों से तो हम चाहते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करें और समझें अपने देश को, और जीके को जरूर जनरल नॉलेज देखें, जनरल अवेयरनेस देखें। और भी एक जहाज है जिस फाइटर प्लेन है जिसके बारे में बात की जाती है, और आपके केवी नंबर 2 के बाहर माल रोड जब आप एंटर करते हैं तो वहां एक वो जहाज लगा हुआ है। व्हाट्स द नेम? मम्मा को देखना नहीं है। दैट इज तेजस। तेजस है उसकी, हाँ तेजस, तेजस। ओके, रीड मोर अबाउट इंडिया बेटे, गॉड ब्लेस यू। आपका आना ही, हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना, इट्स अ ग्रेट डीड। हमारे बच्चे ये जान जाएं कि हमें अपने देश के साथ खड़ा होना है, हमने देश के लिए लड़ना है, इससे बड़ी बात नहीं है। अब मेरी रिक्वेस्ट आप सब बड़े बच्चों से, आपसे कौशल जी के बड़ा बच्चा है उससे, कि चाइना का और हमारा क्या कन्फ्लिक्ट है और क्यों कन्फ्लिक्ट है, इसको पढ़ के मैं किसी दिन आप सबसे सुनूंगी। कि चाइना का एक पॉइंट है हमारा बॉर्डर पर, और वो किस बात के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों वो इस बाउंड्री में वो पॉइंट लेना चाहता है, इस बारे में आपने पढ़ना है, ताकि तुम्हें समझ आए कि हमें हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान के प्रशासन को क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। yes, और मैंने सीमा अग्रवाल से कहना है विभूति से मेरी बात कराए, और मैंने एक दिन तुम्हारे सबसे सुननी है बात। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मीन वी शुड नो अवर कंट्री, वी शुड लव अवर कंट्री, एंड वी शुड रिस्पेक्ट अवर कंट्री, जिसके कारण हम यहाँ, ठीक है बेटा। तो yes, मेरी दोनों बच्चों से गुजारिश, जो बड़े बड़े बच्चे हैं एट्थ में, आप जैसे बच्चे, आप कौन सी क्लास में बेटे? मैम सेवेंथ। अरे वाह, बहुत जो सेवेंथ एट्थ। सो आप बच्चों से मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ो बेटे, पढ़ो कि कहाँ पे ग्लेशियर्स हैं हमारे, और चाइना क्यों लड़ना चाहता है, क्यों अंदर आना चाहता है, और हम उसे रोक रहे हैं, ठीक। थैंक यू सो मच सीमा अग्रवाल। थैंक यू मैम। और अब मैंने एक होमवर्क दिया है, ये बच्चे पढ़ेंगे, ओके। वेरी गुड। एक सबसे छोटा बच्चा आ गया, आया, आई है बच्चा, मींस आई है बच्चा, इज जेंडर लगता है। हाँ जी, रेखा जी की ग्रैंड डॉटर। हेलो करो, हेलो रिपब्लिक डे, हेलो रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप तो बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, जोश, वेरी गुड, जोश। हेलो करो, जोश, हेलो, यस, हैप्पी रिपब्लिक डे। गुड गुड, थैंक यू बेटा। गुड, वेरी गुड। चल गया कि वो कुछ कहना चाह रही है। दादी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की है ना, तो शी विल मेक हर लर्न मेनी मेनी थिंग्स। गुड, ठीक है जी मैम। गुड, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं रीना से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी एक लास्ट प्रस्तुति रहती थी, सपना का डांस था, क्या वो दिखा पाएंगे हम वो वीडियो? मैडम रीनू शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या वो उसको प्ले कर पाएंगे? हाँ जी मैम, हम लगा रहे हैं। करमजीत मैम, लगा रही हूँ मैं। हाँ जी मैम। आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, बच्चियां आपकी भी हैं, वेयर आर दे? जींद और समवेयर? मैम यहीं पे हैं, उठी है मैम अभी, वो थोड़ी देर पहले। अच्छा, वेरी गुड। तो उसको कहो, आएगी स्क्रीन पे, आएगी, नो प्रॉब्लम। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जहां भी बच्चों की कोई फोटोज ले सकते हैं प्लीज सब ले लें। हाँ, हमारे गणतंत्र दिवस जो है वो बच्चों का प्रोग्राम होता है, बच्चों का एक शो होता है पूरे देश में, तो हमारे प्रोग्राम को भी इन छोटे छोटे बहुत अच्छा अच्छा बना दिया है इस प्रोग्राम को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले बताना,
बेटे, फिर आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है? बोलो। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू आर हियर। माय नेम इज रीनू शर्मा। अच्छा, फादर नेम? एंड व्हाट्स योर फादर? अशोक कुमार। अच्छा, वेरी गुड। बोलो, आप बताओ क्या? मैम, हैप्पी रिपब्लिक डे। अच्छा, हैप्पी रिपब्लिक, थैंक यू। एंड व्हिच क्लास यू आर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? मैम, फोर्थ क्लास। अच्छा, फोर्थ क्लास, वेरी गुड। इन जींद और इन अंबाला? अंबाला। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस, वेरी गुड। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहो? नो। गुन्नू भी बोलेगी अभी, आप भी बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे, यू आर वेरी स्वीट चिल्ड्रन, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। बोलो, हैप्पी, बोलो जोर से, बोलो। आज क्या डेट है बेटे? 26 जनवरी। बोलो आपको जनवरी? हाँ, पक्का तो है ना कि 26 जनवरी है? बोलो यस मैडम। इसको याद रखना, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे होता है, ठीक है? आगे की बात आपकी मम्मी पढ़ाएंगी आपको कि क्या होता है इस दिन, ठीक है? ठीक। बोलो यस मैम। आज राम मंदिर की झांकी जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस आ रही है राष्ट्रपति पर। आपको पता है ना राम मंदिर बन रहा है? पता है बेटे, राम मंदिर बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? अंबाला में बन रहा है, फरीदाबाद में बन रहा है, कहाँ बन रहा है? मेरठ में। जोर से बोलो, अयोध्या में। अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। अब आपकी मम्मी से सारी बातें समझना। अच्छा, यस मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे। आप उठे हमारे लिए, आपने हमें रिपब्लिक डे करा, हैप्पी रिपब्लिक डे विश किया, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और अगली बार हम आपका आइटम देखेंगे, आपका डांस देखेंगे सपना के साथ साथ, ठीक है? बोलो यस मैम। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जब बुला के लाइक करके ऑन करो। अभी चला रही हूँ करम मैम मैं। ओके ओके, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स में से भी अगर कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। अरे व्हाट्सएप वीडियोस में जाके देखो फर्स्ट। प्ले कर, प्ले वीडियो प्ले कर मैम। शेयर करो, शेयर करो ना, पहले शेयर कर, शेयर कर, शेयर कर गई मम्मी। वीडियो वीडियो sharing also start now. Hello Karamjeet ma'am. Haan ji. Aap par active chal raha hai, ruk jao, call kar do, pehle call kar do, call kar do. हाँ जी अनुराधा, कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी जी, यहाँ से ले लो ना जी। हेलो रूबी, सुनो क्या है, सिमरन की ना ये मीटिंग ज्वाइन कर लेगी जूम ऐप पर और सोंगा का सुना देगी। नहीं नहीं नहीं,
मीनाक्षी म्यूट योरसेल्फ। उनका नंबर क्या है? उज्जवल मैम चल रही है वीडियो? वीडियो चल रही है पर आवाज नहीं आ रही है। चल रही है आवाज नहीं आ रही। एक मिनट एप्लीकेशन में जा गया अनम्यूट कर वीडियो बंद कर खोल ले आ रहा है अनम्यूट है वो सही चलेगी। Right. इमाम हम चल आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है आवाज। मैम आप स्टार्ट से चलाइए यहाँ से मैं बोली हूँ मैं चला देती हूँ। स्टार्ट से चलाइए आप। ठीक है जसप्रीत मैम। रीनु मैम स्टार्टिंग पे ले जाइए और 1 2 3 करके चलाइए मैं इधर से क्लिक कर दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है मैं 1 2 3 बोल रही हूँ वो जसप्रीत मैम 1 2 3 स्टार्ट। Thank you.
Thank you, Rinu, for playing the video. Thank you, Sapna, जिसने अपना ये प्रस्तुति रिकॉर्ड करके हमारे प्रोग्राम में प्रस्तुत की. शायद हम इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं. एक बार फिर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ तथा सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और उन स्पेशल छोटे बच्चों का स्पेशल धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए. एमडीएसटी परिवार के उन छोटे बच्चों का मैं स्पेशल धन्यवाद करती हूँ. तो धन्यवाद मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई गणतंत्र सभी को. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. वेरी वेल कंडक्टेड एंड होस्टेड करमजीत जी, सीमा अग्रवाल जी और सभी प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और हैप्पी रिपब्लिक डे. लव योर कंट्री. सारे लोग एक बार फिर दोबारा बोलेंगे भारत माता की. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. तो ये है ना मैडम, लेफ्ट जाना, लेफ्ट यही. मैम रात्रि गण नहीं करवाना.